हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सिक्स का हिंदी सप्लीमेंट्री। बुक का नाम है बाल राम कथा। आइए फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। लेक्चर फर्स्ट, अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था। यह कथा कहाँ की है? अवध की है। और सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। यहाँ सही अर्थों में कहा जाए तो वह दर्शन करने के योग्य था, देखने लायक था, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलिशान थी। अयोध्या में केवल एक राजमहल ही बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि वहाँ की हर एक इमारत बहुत बड़ी थी। आम लोगों के घर भव्य थे, आम लोगों के भी घर वहाँ पे बहुत भव्य थे। सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। वहाँ पे अयोध्या नगरी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर और बहुत बड़े बड़े भव्य आलिशान इमारतें थी। वहाँ सड़क भी बहुत चौड़ी थी और बाग बगीचे बहुत सुंदर देखने में लगते थे। सरोवर, पानी से लबालब भरा सरोवर भी, खेतों में लहराती हरियाली, फसलें, ये सब बहुत ही लुभावने थे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी। वहाँ पे हर जगह संपन्नता दिख रही थी और सभी लोग सुखी थे, सब समृद्ध थे, सब मतलब सुख से रहते थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यहाँ पे अयोध्या में दुख और विपन्नता मतलब होता है दरिद्रता, को अयोध्या का पता मालूम ही नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, या उन्हें उस नगर में के सीमा पर ही उन्हें रोक दिया जाता था, उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। पूरा नगर बहुत ही सुंदर देखने में लगता था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। इसमें कहा गया है कि राजा दशरथ वहाँ पे रहते थे, तो उसे वैसा होना ही था। उनके राज में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वे कुशल योद्धा के साथ साथ न्यायप्रिय राजा थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज लघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। यहाँ पे बताया गया है कि महाराजा अज के पुत्र, महाराजा रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी, रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा था अयोध्या नगरी में। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। वहाँ पे लोगों के मन में भी मर्यादा, सदाचार, पवित्रता और शांति थी, उस नगर में भी थी और लोगों के मन में भी थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। वे बहुत ही सुखी थे, यशस्वी थे, उन्हें कभी किसी चीज़ का दुख नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। उनको एक छोटा सा दुख था। क्या दुख था, आइए जानते हैं। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था, और वो रह रह कर उनके अंदर वे दुख आता था और उन्हें अंदर ही अंदर वे दुख देता था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ की तीन रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। रानी को भी
यही इसी बात की चिंता तीनों रानियों की थी और राजा दशरथ को भी बस इसी बात की चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे, उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। जब वे अपनी चिंता मुनि वशिष्ठ के सामने बताते हैं तो वे उन्हें एक यज्ञ करने की सलाह देते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कहा जाता है। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मुनि उन्हें बताते हैं, यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। यह यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ था। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनी और वहीं पे यज्ञ हुआ और शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच इस यज्ञ का समापन हुआ और शंख ध्वनि और आहुति डाली गई और अंतिम आहुति कौन डाला था? राजा दशरथ डाले थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दे दिया। अग्नि के देवता अग्निदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और चैत माह में नवमी के दिन रानी सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया था। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। सारी प्रजा प्रसन्न हुई हो गई थी कि राजा दशरथ अब चिंतित नहीं थे, वे खुश हो गए थे। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े अनाज और धन देकर विदा किया। राजा दशरथ दूर दूर से सबको बुलाए थे और सम्मान में उन्हें कपड़े अनाज धन देकर उनको विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए, वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। वे चारों राजकुमार बहुत ही सुंदर थे और जब खेलने निकलते थे तो सब लोग देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था और चारों भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। जब वे बड़े हो गए तो उन लोगों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, वे शास्त्रों का अध्ययन किए, शास्त्र का ज्ञान किए और वे शस्त्र विद्या सीख के चारों राजकुमार बहुत तीज बुद्धि के थे। जल्दी ही सब विधाओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे और सबसे ज्ञानी और सर्वोपरि इसमें राम थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। वे सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। इसमें भगवान राम के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है, आप इसे पढ़िएगा, आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।